यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट योर होम। यस बेटा, स्टे सेफ एंड स्टे होम। सो लेट्स स्टार्ट अवर मैथ्स क्लास। एज यू नो दैट इन अवर मैथ्स क्लास टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.3, है ना बेटा। वी विल डू एक्सरसाइज 3.3 विच इज रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। And you know that when we have to solve any word problem, then first of all we have to read given question carefully. है ना, we need to read question carefully. Then we have to understand that what question is saying to us. After understanding the question, then we will think that how can we solve this solution. Okay, बेटा? So for that, just open your book. Page number 37 and look at here in your book. In our book, our question number 1 is Sushma placed an order for 15,775 yellow and white flowers for decorating a party hall. There were 9,455 yellow flowers and the rest were white. How many white flowers were there? ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इन योर क्लास इफ समवंस बर्थडे इज देयर, ठीक है, एंड ही ब्रॉट 30 टॉफीज, क्लियर बेटा। फ्रॉम 30, 18 टॉफीज आर मेलेडी टॉफीज एंड रेस्ट ऑफ टॉफीज एक्लेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे है और वो अपने साथ में क्या लेके आया था, 30 टॉफीज, जिसमें से 18 टॉफीज तो क्या है बेटा, मेलेडी टॉफीज हैं, और जो पीछे जो जितनी भी बची हुई टॉफीज हैं 30 में से वो है एक्लेयर्स। नाउ टेल मी नंबर ऑफ एक्लेयर्स टॉफीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 30 एंड 18 क्या है उसमें से मेलेडी, और जो पीछे बच गई, पीछे क्या बची, 30 माइनस 18, है ना। वी विल सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 30, 18 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस और नो, यस। सो आंसर इज 12, इट मीन्स 12 क्या है उसमें, एक्लेयर्स की टॉफीज है। लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स एंड येलो फ्लावर्स, टोटल नंबर ये है वाइट फ्लावर एंड येलो, टोटल जो थे वो है 15,775 एंड येलो फ्लावर 9,455। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो फ्लावर्स थे वो हमारे पास ये रहे, हमने लैंग्वेज लिखी, देन नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स 9,455, नाउ नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स, यानी मैंने टोटल में से येलो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, वाइट एंड येलो जो फ्लावर थे उसमें से येलो को सब्ट्रैक्ट किया, तो पीछे क्या आया मेरे पास, ये वाइट फ्लावर है ना, ये वाइट फ्लावर है, तो मैंने ये किया, तो आंसर क्या है बेटा, और आंसर इज डिफरेंस कितना आया, 6,320। सो 6,320 वाइट फ्लावर्स, क्लियर, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक, लुक एट हियर, देयर वर 2,255 सीट्स इन एन इंडोर स्टेडियम, यानी वन इंडोर स्टेडियम है ये, देखिए इंडोर यानी जो किसी हॉल में घर के अंदर, है ना, तो इंडोर जो अंदर, तो स्टेडियम के अंदर जो सीट्स हैं वहाँ पे, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आपको कितनी बताइए इसमें, यस बेटा 2000, यस 255, ओके, एंड आफ्टर दैट 1975 पीपल केम टू द स्टेडियम टू वॉच अ कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे प्रताप ऑडिटोरियम है, ठीक है, मान लीजिए उसमें हमारे स्कूल का फंक्शन हो रहा है, और उसमें से टोटल जो सीट्स है वो कितनी बताई है इसने, 2,255। अब उसमें जो
टोटल पीपल आए थे जो देखने के लिए, ठीक है, पर्सन आए थे वो कितने हैं, 1975। यस बेटा, अब हमें क्या करना है कि जो पीपल आए वो कहाँ बैठे, सीट्स पे। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी उसमें से जो पीपल बैठ गए वो सीट्स तो यूज़ हो गई, लेकिन जो अनयूज्ड सीट्स हैं, वैकेंट खाली सीट्स कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेटा। यस, हाउ मैनी सीट्स वर वैकेंट, हाउ मैनी सीट्स वर वैकेंट, ठीक है, तो हमें वैकेंट सीट्स बतानी है, तो लुक एट हियर। यस बेटा, जैसे आपने कभी म्यूजिकल चेयर खेला है, गेम होता है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ, मान लो 10 चेयर्स लगा रखी है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स है 10, ओके, और 5 जो पर्संस, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो है वो 10 है और 5 पर्संस थे, और उसमें से सबको राउंड करना था और 5 उस पर बैठ गए, ठीक है। अब बताइए पीछे सीट्स और जो वैकेंट सीट्स है खाली चेयर्स कितनी है। यस, 10 में से 5 पे बैठ गए तो 5 खाली है, यस और नो। यस, तो ऐसे ही इंडोर स्टेडियम है और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो है 2255, एंड जो पीपल, ये देखिए ये पीपल सीट्स पे बैठे हुए हैं। यस, नंबर ऑफ सीट्स यूज, तो यूज जो हुई है वो है 1975। नाउ नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट, नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट, तो वैकेंट जो सीट्स है वो कितनी है हमारे पास में, 2255, और वैकेंट सीट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए 2255 में से 1975 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ठीक है, तो हमारे पास वैकेंट सीट्स फाइंड आउट हो जाएगी। सो वी सब्ट्रैक्ट दिस 1975 फ्रॉम 2255। सो एज वी नो दैट 5-5 इज 0 एंड 5-7 इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी टेक बोरो फ्रॉम 2। सो 15-7 इज इक्वल टू 8, देन 11-9 is equal to 2 and 1-1 0, it means number of seats vacant 280 जो seats हैं वो क्या है बेटा, vacant है, vacant यानी खाली है seats, ठीक है। आपके घर पे भी आप देख सकते हैं, इस question को easily solve कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर पे total 5 chairs हैं, 6 chairs हैं, आप उस पर क्या करिए कि 4 members को बिठा दीजिए। अब आपको पीछे कितनी seat खाली है find out करनी है, तो 6 में से 4 को subtract किया हमने, ईजी है, लाइक दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, नॉट 3, 3 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, सो लेट सी क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 अ टोटल ऑफ 5075 शीट्स ऑफ पेपर वर यूज्ड फ्रॉम अ पाइल of 9600 sheets to make notebooks, यानी कि एक notebooks बनानी थी, ठीक है। notebooks के अंदर papers होते हैं बहुत सारे, yes, उसको combine करके और जब उसकी binding हो जाती है वो notebook बन जाती है, yes or no, yes। तो ऐसे ही एक notebooks बनाने के लिए total 9600 थे पाइल्स के अंदर पेपर, ठीक है, उसमें से हमने नोटबुक बनाने के लिए जो यूज़ किए हैं वो है 5075 पेपर्स यूज हुए हैं। अब आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल हाउ मैनी शीट्स आर लेफ्ट इन द पाइल, पाइल में कितनी शीट्स लेफ्ट है। सो फॉर दैट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास में क्या है, एक बॉक्स है, लुक एट हियर, ओके, एंड इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर टोटल मान लीजिए 20 पेन्स हैं, कितने 20। अब इसमें से मैंने 11 जो पेन है वो क्लास में यूज़ करने के लिए बच्चों को दे दिए, ठीक है। अब इसमें पीछे जो लेफ्ट पेन कितने हैं अंदर, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन में से, पहले टोटल नंबर ऑफ पेन में से जो मैंने बाहर कर दिया उसको माइनस कर देंगे, यस और नो। तो 20 में से मैंने कितने बाहर करा है, 11, तो पीछे 9 हो गए, यस। अगर टोटल में से 12 बाहर किए हैं तो 8 हो गया आंसर, यस। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ शीट्स इन अ पाइल, ठीक है, 9600, ठीक है। जस्ट सी योर क्वेश्चन,
Yes. So total number of sheets in a pile 9600. Number of sheets used. Number of sheets used. Use कितनी हुई है? 5075. Now sheets are left in the pile. यानी pile में कितनी sheets left है? तो इसके लिए मैंने इन दोनों को क्या किया? Subtract. क्या किया बेटा? Subtract. And when I subtract it, then 10 minus 5, 5. 9 minus 7, 2. 5 minus 0, 5. And 9 minus 5, 4. So 4525 sheets are left in the pile. This is your answer. This is your answer. ठीक है? Now question number 1, 2, 4 you will do in your notebook. And 3 is your homework. Okay? Now come to the next question. Yes. Now beta, come to question number next. And not 5. 6. We will do question number 6. Okay? Question number 5 is your homework. So just see your question number 6 in your book. Yes, beta. 5,360 white tiles and 2,225 blue tiles were bought to lay the floors of the rooms of a college. यानी एक कॉलेज में फ्लोर को, रूम का फ्लोर जो था उसको बनाने के लिए क्या वाइट टाइल्स एंड ब्लू टाइल्स मंगवाई. ठीक है, वाइट टाइल्स कितनी थी? यस 5,360 एंड ब्लू टाइल्स 2,225. अब इसमें से 399 जो टाइल्स थी, देखो आफ्टर द कम्प्लीटिंग ऑफ फ्लोरिंग वर्क जब कम्प्लीट हुआ तो 399 जो टाइल्स थी वो क्या हो गई? लेफ्ट अनयूज्ड. वो अनयूज्ड रह गई यानी वो यूज़ नहीं हुई. हाउ मैनी टाइल्स वर यूज टू मेक द फ्लोर्स? तो बताइए कितनी टाइल्स यूज हुई. ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपकी क्लास में किसी का बर्थडे, वो 30 टॉफीज लाया और मान लीजिए कि 30 में से 25 उसकी यूज हो गई तो पीछे कितनी लेफ्ट है? 5. कैसे पता चला? जो यूज हुआ था टोटल में से यूज को माइनस किया, अनयूज्ड हो गया. ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 टॉफीज थी और पीछे 5 उसकी लेफ्ट है, उसके पास 5 टॉफीज बच गई, तो उसने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की थी, कितनी उसकी टॉफीज यूज हुई? यस, तो 25 है ना, यानी 25 हमारी उसके पास में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्योंकि उसके 5 बच गई थी. तो हमने जो था उनको क्या किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया. ऐसे ही लुक एट हियर. ठीक है बेटा, ये है टोटल नंबर ऑफ वाइट टाइल्स एंड ब्लू टाइल्स. टोटल नंबर ऑफ वाइट टाइल्स एंड ब्लू टाइल्स. ठीक है, अब इसमें से जो यूज टाइल्स थी वो ये सब यूज हो गई और ये है अनयूज्ड. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? यूज टाइल्स. सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ टॉफीज फाइंड आउट की थी, कैसे? मेलेडी टॉफी प्लस एक्लेस टॉफी. ऐसे ही वाइट टाइल्स प्लस ब्लू टाइल्स. तो वाइट टाइल्स कितनी है? 5,360 और ब्लू टाइल्स 2,225. इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो 0 एंड 5, 5, 6 प्लस 2, 8, 3 प्लस 2, 5 एंड 5 प्लस 2, 7. ठीक है, अब ये आ गया आपकी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? 7,585. अब आपको इसमें हमें ये तो हमें पता है नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट यानी जो पीछे लेफ्ट बच गई थी 399. And we have to find number of tiles were used. To find out करने के लिए we will subtract. Yes, 399 from total number of tiles. ठीक है, so 7585 is total number of tiles. So when we subtract we get 7186. Yes, 15 minus 9, 6. Yes, then 17 minus 9, 8. Then 4 minus 3, 1 and 7. So, this is our answer. ठीक है बेटा? Now, question number 3, 5 and 7. 3, 5 and 7 is your homework. 3, 5 and 7 आपका क्या है बेटा? Homework है. ठीक है बेटा? और ये जो मैंने आपको अभी questions करवाए हैं, 4 questions मैंने आपको करवाए हैं, 3 homework में दिए हैं. ठीक है?
नाउ सी हाउ विल वी सॉल्व अवर होमवर्क. ठीक है, हमने जो होमवर्क में जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट सी इट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. ठीक है, तो 3 में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ लाइब्रेरी हैज़ 3975 बुक्स. एक लाइब्रेरी में बुक्स कितनी है, 3975. स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 8 हैव इशूड 120 बुक्स एंड ग्रेड 9 इशूड 95 बुक्स. यानी इसमें से ग्रेड 8 एंड 9 ने कुछ बुक्स इशू की, 120 एंड 95. ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में से. हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी. अब कितनी लाइब्रेरी में लेफ्ट है. ठीक है बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड. हम क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो पता है, पर इसमें से जो यूज़ हो गई, जो इशू हो गई, वो टोटल कितना है, उसे फाइंड आउट करने के लिए 120 एंड 95 को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे. ठीक है, तो 120 एंड 95 जब हम प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टोटल में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, यस. तो क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3 इजीली. क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं बेटा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है 1344 कैंस ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स वर कैप्ट इन कार्टून्स फॉर द चिल्ड्रन ऑन स्पोर्ट्स डे फंक्शन. स्पोर्ट्स डे का फंक्शन था जिसमें उनके लिए हेल्थ ड्रिंक्स आए थे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स कितने हैं बेटा, 1344. अब उसमें से 1275 को क्या किया है, चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. हाउ मैनी कैंस आर लेफ्ट अनयूज. अब कितने अनयूज है, जस्ट अभी अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था यूज अनयूज वाला, है ना. तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंस 1344 एंड नंबर ऑफ कैंस डिस्ट्रीब्यूटेड 1275. अब आपको लिखना है कैंस आर लेफ्ट, तो क्या कर देंगे दोनों को, माइनस सब्ट्रैक्ट, एंड जो आप आंसर फाइंड आउट करेंगे वो आपका आंसर होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम यही कर लेते हैं. 3 and 5 इज योर होमवर्क. ठीक है, 7. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. यस बेटा, सो लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 7. यस बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 7, यस, अ शॉपकीपर ऑर्डर्ड फॉर 25,000 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स बिफोर दिवाली. इट मीन्स कि दिवाली से जस्ट बिफोर, पहले एक शॉपकीपर है, उसने कैंडल के बॉक्सेस में, दिवाली पे कैंडल्स जलाते हैं हम, यस, तो उसके लिए उसने ऑर्डर किया. कितने बॉक्सेस थे, 25,000, ये दिस ईयर. ठीक है, 25,000. द शॉपकीपर हैज 1,997 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स विच वर लेफ्ट अनसोल्ड लास्ट ईयर. अच्छा, उसने इस साल तो कितने मंगाए, दिस ईयर उसने जो ऑर्डर दिया 25,000. ठीक है, और उसके पास लास्ट ईयर के भी कुछ ऐसे पैकेट्स, कैंडल के बॉक्सेस थे जो अनसोल्ड थे, जो बिके नहीं थे, उसकी दुकान पे बच गए थे लास्ट ईयर, वो ये थे. ठीक है, ये कितने बताए, 1,997. अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए आप इसके पास में, शॉपकीपर के पास. ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपकी हर क्लास में, जब भी आपकी न्यू क्लास होती है, पापा मम्मी आपके लिए क्या लेके आते हैं, न्यू नोटबुक्स लेके आते हैं, बुक्स लाते हैं. अब फॉर एग्जांपल कि आपके पापा मम्मी इस साल आपके लिए 15 नोटबुक्स खरीद कर लाए. कितने लाए बेटा, 15. और लास्ट ईयर जो आपके पापा मम्मी नोटबुक्स लाए थे उसमें से 3 नोटबुक्स बच गई थी. लास्ट ईयर आपके पापा मम्मी जो आपके लिए नोटबुक्स लाए थे उसमें से 3 नोटबुक्स बच गई थी, और अब आपके पापा 15 लेकर आए इस बार. तो अब आपके पास टोटल नोटबुक्स कितनी हो गई, यस, वेरी गुड, 15 प्लस लास्ट ईयर के 3 और इस साल के 15, 18 हो गई ना. तो ये तो हो गई आपकी टोटल नोटबुक्स जो आपके पास है, ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडल बॉक्सेस जो शॉपकीपर के पास है, लास्ट ईयर के और दिस ईयर के जो उन्होंने ऑर्डर किए थे. तो ये दिस ईयर के ऑर्डर बॉक्सेस और ये लास्ट ईयर के दुकान पे जो बच गए थे वो, जब इन दोनों को प्लस किया तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए. ठीक है, ऐसे ही शॉपकीपर ने जो ऑर्डर किए थे
25,000 और अनबॉक्सेस इसको प्लस किया तो कितना हो गया 26,997। ये शॉपकीपर के पास इस वक्त है। जैसे आपके पास में लास्ट ईयर की 3 नोटबुक्स और इस साल की 15 नोटबुक्स जो आपके पापा लाए 18 है, वैसे ही सेम। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट, नाउ आफ्टर द फेस्टिवल सीजन ऑफ द ईयर ही वॉज लेफ्ट विद 87 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स। यानी जब दिवाली का सीजन चला गया, जैसे ही दिवाली क्या हुई, दिवाली चली गई, उसके बाद में उसने देखा कि उसके पास में 87 बॉक्सेस बच गए हैं। जैसे आपके पास में पापा इस साल 15 कॉपीज लाए और पहले की 3 थी, तो आपके पास 18 कॉपीज हो गई। जब आपने पूरा साल इस बार भी पढ़ाई की, आपने क्या देखा कि यस, आपके पास में फिर से 2 नोटबुक्स बच गई हैं। कितनी बच गई हैं? 2 नोटबुक्स। ऐसे ही शॉपकीपर के पास में भी टोटल में से कितनी बच गई है बेटा, 87 कैंडल बॉक्सेस बच गए हैं। जैसे आपके पास में 18 में से 2 नोटबुक्स बच गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 18 में से 2 नोटबुक्स अगर बच गई हैं तो पूरे साल में कितनी कॉपीज यूज हुई? 16। वेरी गुड, 18 माइनस 2, 16। ऐसे ही अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 87 बॉक्सेस बच गए हैं तो पूरे जो उसके पास में अब 87 है, तो उसने टोटल सोल्ड कितने किए? लुक एट हियर, यस, हाउ मैनी बॉक्सेस ही हैड सोल्ड दिस ईयर, हाउ मैनी बॉक्सेस ही हैड सोल्ड दिस ईयर। ठीक है, ये हमें इसमें क्या करना है, बताना है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने कितनी नोटबुक्स यूज की, तो हमने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने फाइंड आउट कर लिया था, यस, लास्ट ईयर प्लस ऑर्डर्ड वाले को करके प्लस करके। ठीक है, तो मैंने जब इनको प्लस किया था यहाँ पर, यस, तो आंसर क्या आया था, 26,997, यस, 0 + 7, 7, यस, 9 + 5 + 1, 6 एंड 2, 26,997। अब आपने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस में से जो बॉक्सेस लेफ्ट थे 87, इनको क्या कर दिया, वेरी गुड, माइनस। ओके, और जब मैंने माइनस किया तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड सोल्ड दिस ईयर, जो उसने दिस ईयर उसके पास बच गए वो कितने हैं, 7 - 7 = 0, 9 - 8 = 1, देन 9, 6, 2, इट मीन्स 26,910। ठीक है बेटा, तो ये आपके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7, फिर से गिनिए, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, 1, 2, 4, 6 एंड 7 मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। अब 3 एंड 5 आप होमवर्क में करेंगे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझा भी चुकी हूँ। ओके बेटा, सो डू योर वर्क विद गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 3.3। आफ्टर दैट वी विल डू 3.4। इसके बाद हम 3.4 करेंगे, जो बहुत ईजी है, मैं आपको पहले ही समझा भी चुकी हूँ। सो बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक विद गुड हैंड राइटिंग। टिल देन, बाय बेटा, टेक केयर।